सर शिवाजी प्रेस पर गए। मैं आज जो रिवाइज अपना बिजनेस का लिस्ट है उसके अंदर आपने मुझे व्यवस्था दी है कि मैं दो संकल्प और एक बिल जो प्रिंटेड बिल रिवाइज रूल बिजनेस के अलावे मैं प्रस्तुत करूं। मैं चारों चीजें एक साथ प्रस्तुत करूंगा, इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे और उसके बाद में मैं जवाब भी दूंगा और चारों पर एक के बाद एक करकर डिवीजन करना है तो डिवीजन, मगर मुझे भरोसा है कि चारों चीजें पर एक सहमति हो जाएगी तो हम इस पर चर्चा कर वोटिंग करेंगे। माननीय गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा कि कश्मीर की आज की जो स्थिति है उस पर चर्चा करनी चाहिए, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि चारों दो संकल्प और दो बिल जो लेकर आए हैं वो कश्मीर इश्यू पर ही है, उस पर आप अपना विचार रख सकते हैं। इस वक्त कश्मीर की आज की स्थिति पर भी रखिए, उस पर भी मैं जवाब दूंगा। अब मैं एक के बाद एक संकल्प और बिल महोदय मैं संकल्प प्रस्तुत महोदय महोदय मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक अनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित बिना किसी संशोधन के जम्मू और कश्मीर राज्यों पर लागू होंगे, इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 301 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानूनी दस्तावेज निर्णय अध्यादेश अंतरियम नियम विनियम अधिसूचना नीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौते जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अन्यथा न हो। माननीय सभापति महोदय मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में नियुक्त होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संबोधित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे। महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए। Jammu Kashmir Reservation Second Amendment Bill. Reservation Second Amendment.
जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। संसद के द्वारा दोनों
द्वारा पारित किया जाना बहुत जरूरी है। तदनुसार जम्मू और कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए भारत के संविधान के 103वें संशोधन को लागू किए जाने के प्रावधान के बारे में अर्थात जम्मू कश्मीर आरक्षण तीसरा संशोधन विधेयक 2019 सुनिए। मैंने अनुमति दिया केवल मैंने अनुमति दिया केवल आरक्षण के बारे में जो एलओपी ने कहा हमको भी आपत्ति नहीं है। जिसका कॉपी सर्कुलेट किया हाउस में रिजर्वेशन के बारे में कॉपी सर्कुलेट किया मंत्री जी ने इंट्रोड्यूस किया मैंने उनको चर्चा के लिए अनुमति दिया। बाकी जो 3 है वो अभी सर्कुलेट होने के बाद वो प्रस्ताव रखेंगे बाद में चर्चा करेंगे। ये इसमें भी जहां सम्मति है उसके लिए भी तैयार हैं हम लोग। रिजर्वेशन के लिए भी पूरा देश में रिजर्वेशन है उसी रिजर्वेशन को जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड करने के लिए। आज सिवा आप अपना सीट में गए इफ यू वोट योर सीट आई वुड हैव अलाउड यू इवन नाउ प्लीज वोट। एनी बडी वॉन्ट टू स्पीक ऑन रिजर्वेशन राम गोपाल जी रिजर्वेशन हाँ Siva want to raise some point of order. Let him go to his seat. I will just allow you. 1 minute, Rangopalji. Rangopalji, 1 minute. 1 minute. Let Siva go to his seat. Say Rangopalji, allow me to be given my... हुआ नहीं है। मैं बताना चाहता हूं साहब और 30 बार